हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको हैंड ग्लव्स बताने वाले हैं, फिंगरलेस। और देखिए, हमने इसमें फ्रेंड्स 40 चेन बुन ली है। बुनने के बाद आपने क्या करना है, देखिए, यहाँ से पहले आपने एक इसका रिंग बना लेना है। देखिए, रिंग बना लिया है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए, एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे, एक पल लेंगे और देखिए सेकंड चैन में, ये फर्स्ट चैन में इसके बराबर में जो चैन है डबल क्रोशिया से बुनेंगे इस तरह से। फिर आपने इसमें बुनना है, देखिए, फिर आपने इसमें बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसे हर चैन में बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए हर चैन में डबल क्रोशे से बुन लिया है और ये मेरा फ्रेंड्स देखिए 40 हो गई हैं। इस तरह से आप गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, तो ये मेरे 40 बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए, अब हमने यहाँ इसको यहाँ से ज्वाइंट कर देना है। देखिए, इस तरह से मैंने ज्वाइंट कर दिया है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए, ये जो हमारी चैन है ना, इसके नीचे से इस तरह से ऊपर से बुनेंगे। फिर आपने क्या करना है, एक और दो, दो चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे और ये देखिए यहाँ से नीचे से, अब हमने देखिए नीचे से बुना है डबल क्रोशिया से इस तरह। फिर देखिए एक बार ऊपर से, फिर एक बार नीचे से, ये देखिए, यानी कि आपने एक बार तो नीचे से डबल क्रोशिया से बुनना है और एक बार ऊपर से बुनना है। ये हमारी रिस्ट पट्टी तैयार हो रही है इस तरह से। फिर एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से, नीचे से बुन लिया। अब ये देखिए ऊपर से, फिर देखिए यहाँ से नीचे से, इस तरह से फ्रेंड्स देखिए। तो फ्रेंड, इस तरह से मैं इसे कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तरह से मैंने देखिए एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से बुन लिया है और इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। और जहाँ से हमने स्टार्ट करा था ना फ्रेंड्स, दो चैन से यहीं तक आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, इसको पहले जॉइंट करना है। देखिए जॉइंट कर दिया, फिर आपने क्या करना है, ये देखिए आपने यहाँ से इसको जॉइंट करना है। इस तरह से, फिर देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए, ये ऊपर से है ना फ्रेंड्स, तो देखिए आपने क्या करना है, देखिए जॉइंट करने के बाद आपने क्या करना है, देखिए जो दो चैन थे ना इसके नीचे से, ये हमारा नीचे से है, यहाँ देखिए हम ऊपर से बुन रहे हैं ना, तो ये हमारा ऊपर से है, तो इस तरह से बुनेंगे। फिर आपने देखिए एक और दो, दो चैन बुननी है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे से है तो आपने नीचे से बुनना है, डबल क्रोशिया से बुनेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर से है तो इसे ऊपर से बुनेंगे। फिर आपने देखिए, ये नीचे से है, देखिए यहाँ, तो आपने नीचे से बुनना है। बस फ्रेंड्स, हमने देखिए इसी रो को ज़रा रिपीट करना है इस तरह से। देखिए ये नीचे से और ये देखिए ये ऊपर है, तो ये ऊपर से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं 6 रो रिपीट कर आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने इसे, देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए इसमें 6 रो बना ली है और ये मेरा देखिए कंप्लीट हो गया है। और अब हम जहाँ से हमने स्टार्ट करा था यहीं तक आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक दो चैन जो हमने बुनी थी, यहाँ से इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए
फिर आपने देखिए यहाँ से ऊपर से बुनेंगे एक बार इस तरह, फिर ये देखिए एक और दो, दो चैन बुनेंगे एक बार लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स दो चैन स्किप करनी है हमने, एक और दो स्किप करके यहाँ यहाँ आपने डबल क्रोशे से दो बार बुनना है, एक और ये दो, दो के बाद एक चैन, फिर बल लेंगे और देखिए यहाँ ऊपर से बुनेंगे इस तरह, फिर देखिए एक दो स्किप करके यहाँ बुनेंगे डबल क्रोशे से, फिर एक चैन बुनेंगे और देखिए यहाँ ऊपर से बुनेंगे। एक दो चैन करके यहाँ तीसरी चैन में हमने डबल क्रोशे से दो बार बुनना है इस तरह, फिर एक चैन बुनेंगे और देखिए यहाँ ऊपर एक बार हम डबल क्रोशे से ऊपर बुनेंगे, फिर एक दो छोड़ के तीसरी चैन में हमने डबल क्रोशे से दो बार बुनना है, फिर एक चैन बुनेंगे और देखिए ये जो ऊपर है ऊपर से बुनेंगे एक बार। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैं इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना। इस तरह से देखिए मैंने डबल क्रोशे से दो बार बुना, फिर मैंने ऊपर से एक बार बुन दिया, फिर दो बार बुना, फिर एक बार ऊपर से ऊपर वाली लाइन में बुना। इस तरह से मैंने इस रो को फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए जो दो चैन है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ तक आ गए हैं, फिर आपने यहाँ से पहले इसको जॉइंट करना है, यहाँ से हम पहले इसको जॉइंट करेंगे इस तरह से, फिर देखिए इसके यहाँ से हमने ऊपर से बुनना है, फिर देखिए एक और दो, दो चैन बनेंगे। दो चैन बनने के बाद फ्रेंड्स देखिए क्या करना है हमने, देखिए अभी तो हमने दो बुने थे ना, अब हमने तीन बुनने हैं यहाँ पे, ये देखिए एक दो और ये तीन, तीन बुन ली, फिर एक चैन बुनेंगे एक बल्ले, एक बल्ले की, और ये देखिए जो ऊपर है ऊपर ऊपर ही बुनना है हमने इस तरह से, फिर देखिए यहाँ बुनेंगे दो बार, एक डबल क्रोशे से पहले हमने दो बार बुना, अब हम सेकंड रो में तीन बार बुनेंगे, देखिए एक दो तीन, फिर एक चैन बुनेंगे और ये देखिए यहाँ ऊपर से डबल क्रोशे से एक बार बुनेंगे, फिर देखिए ये एक दो है तो यहाँ हमने जो एक चैन का जाली बनाई थी इस जाली में हमने तीन बार बुनना है, एक दो तीन, फिर एक चैन बुनेंगे और देखिए यहाँ ऊपर से हमने इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हम इस रो को सेकंड रो को भी कंप्लीट करके बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स मेरे फूल कितने हैं मैं आपको बता देती हूँ, देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, मेरे 10 फूल आए क्योंकि मैंने 40 चैन बुनी थी इसलिए मेरे 10 आए हैं, और अगर किसी का हाथ थोड़ा सा बड़ा है तो वो इसमें बढ़ा सकती हैं। और अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट करा था हम बिल्कुल वहीं आ गए हैं, ये हमारी डिज़ाइन की सेकंड रो है, सेकंड रो हमारी कंप्लीट होने वाली है। अब देखिए यहाँ दो चैन जो बुनी थी पहले हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे, ज्वाइंट करने देखिए हमने ज्वाइंट कर लिया, ज्वाइंट करने के बाद देखिए यहाँ से एक बार ऊपर से बुनेंगे, फिर आपने क्या करना है एक और दो, दो चैन बुनेंगे एक बल लेंगे, देखिए पहले दो बार बुना, फिर मैंने देखिए तीन बार, अब क्या करना है हमने, अब हमने फ्रेंड्स देखिए डबल क्रोशे से चार बार बुनना है, ये दो हो गए तीन और ये चार, फिर एक चैन डालेंगे और हमने देखिए
ये जो हमारा ऊपर से हमने डबल क्रोशे से बुना है इसे एक बार बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो ये लाइन है ना, ये इस तरह से हमारी तिरछी लाइनें आएंगी, ये सारी तिरछी लाइनें आएंगी हमारी इसमें, और बहुत प्यारा सा हमारा डिज़ाइन तैयार होगा। फिर यहाँ से आपने, यहाँ देखिए, अब इस जाली में हमने चार बार बुनना है, एक दो तीन और ये चार, फिर एक चैन का गैप डालेंगे। और देखिए यहाँ यहाँ आपने डबल क्रोशे से ऊपर से बुनना है, फिर आपने देखिए यहाँ चार बार बुनेंगे, एक दो तीन और ये चार, फिर एक चैन का गैप डालेंगे और यहाँ आपने डबल क्रोशे से बुनना है। तो देखिए इस तरह से बनेगा, देखिए हमारी लाइन इस तरह से चलेगी फ्रेंड्स। देखिए सीधी थी, फिर ये देखिए तिरछी हो गई, ये सीधी है तिरछी हो गई। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, मिस थर्ड रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना। मैंने इसे देखे कंप्लीट कर लिया, और अब देखिए अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे यहाँ एक चैन बुन के। देखिए ये दो चैन है, हम इसे यहाँ से इसको ज्वाइंट कर देते हैं दूसरी चैन से इस तरह, और देखिए फिर हम इसे ऊपर से बुन लेते हैं। देखिए ये, फिर आपने एक और दो, दो चैन बुननी है। फिर देखिए फ्रेंड्स, अब हमने चार बार बुना था, तो अब हमने सिर्फ चार बार ही डबल क्रोशे से बुनना है इस जाली में। देखिए एक दो तीन और ये चार, फिर आपने क्या करना है, चार बार बुनने के बाद एक चैन बुननी है, और ये जो देखिए तिरछी सी लाइन हमारी चल रही है इसके ऊपर हमने डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। फिर फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ चार बार बुनना है, एक दो तीन और ये चार, और फिर से हमने एक चैन का गैप रखना है क्योंकि फिर से हमने इस चैन पे ही बुनना है, और फिर हमने देखिए ये ऊपर है तो हमने इसको ऊपर से बुनना है। बस फ्रेंड्स देखिए हमने इसी तरह रिपीट करना है और इसे बड़ा बनाना है। तो मैं इसे रिपीट कर थोड़ा बड़ा बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। हमने इसे देखिए रिपीट कर लिया है, और देखिए हम वहाँ तक आ गए जहाँ तक, जहाँ से हम अपनी दो चैन बुनकर स्टार्ट करते हैं यहाँ तक, और देखिए कितना बन चुका है ये देख लीजिए। यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, देखिए ये सात बन गए हैं फ्रेंड्स। अगर आप डालेंगे तो देखिए कहाँ तक आएगा आपके हैंड पर, ये देखिए इस तरह से ये आपकी रिस्ट पट्टी हो गई बॉर्डर, और अब देखिए यहाँ तक आ गए हम थंब तक। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे थंब की जगह बनाएंगे इस तरह, और ये हमारा साइड हुक है। देखिए फ्रेंड्स हमारी, देखिए इस तरह से तिरछी तिरछी लाइनें चल रही हैं इसमें, ये देखिए इस तरह से तिरछी तिरछी लाइनें चल रही, तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो देखिए अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, हमने पहले अब थंब के लिए जगह छोड़नी है। तो पहले आपने क्या करना है, पहले दो चैन से हम जो इसे ज्वाइंट करते हैं इस तरह ज्वाइंट कर लेंगे, फिर आपने देखिए ऊपर से बुनेंगे इस तरह से, फिर देखिए एक और दो, दो चैन बुनेंगे एक बल लेंगे, और देखिए यहाँ जो एक जाली है इस जाली में हमने चार बार बुन रहे थे ना फ्रेंड्स हम, तो देखिए ये दो हो गए, दो के बाद तीन, तीन के बाद ये चार, फिर देखिए एक चैन बुनेंगे, और एक चैन बुनने के बाद देखिए यहाँ यहाँ हमने डबल क्रोशे से एक बार बुनना है ऊपर से, तभी तो ये हमारी तिरछी तिरछी लाइनें चल रही हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब आपने ये देखिए इसे छोड़ देंगे और इसे, इन दोनों को छोड़ देंगे फ्रेंड्स इस तरह से। तो अब क्या करेंगे, इन दो को छोड़ने के बाद आपने देखिए यहाँ दो छोड़ देंगे, यहाँ से हमारा थंब आ जाएगा और यहाँ इस तरह से देखिए दो हमने छोड़ दिए हैं, और ये हमारे बीच में इस तरह से यहाँ थंब आएगा।
फिर इसके बाद हमने देखिए इसके अंदर फोर टाइम बुनना है, दो हो गए, तीन और ये चार, फिर एक चैन बुनेंगे। और देखिए फिर से हमने फ्रेंड्स ऊपर से ही डबल क्रोशे से बुनना है। फिर देखिए एक चैन बुनने के बाद फिर यहाँ फोर टाइम बुनना है, एक दो तीन और ये चार। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा यहाँ से देखिए इस तरह से हमारा यहाँ थम आ जाएगा, थम की जगह बन गई। और अब फ्रेंड्स हमने बस इसी को रिपीट करना है, हमने यहाँ तक बनाना है। तो मैं यहाँ तक बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हमने जो बुना था, यहाँ तक जहाँ हमारा थम आता है यहाँ तक तो हमारे सात थे। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर देखिए ये हमने गैप देके बुन लिया। तो सात के बाद देखिए यहाँ सात हो गए, फिर ये आठ नौ दस, ये हमारे अब देखिए दस हो जाएंगे फ्रेंड्स। पहले आपने देखिए यहाँ दो चैन है तो दो चैन से आपने इसको इस तरह से करना है, पहले जॉइंट करेंगे फिर आपने ऊपर से बुनना है, फिर आपने एक और दो, दो चैन लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक, यहाँ तक तो हमारा इसी तरह का बन रहा है। यहाँ तक आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब हमारी जो फिंगर्स हैं थोड़ी छोटी होती जा रही हैं, यहाँ चौड़ी हैं और यहाँ थोड़ी पतली हो जाती हैं। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अभी हम फोर टाइम बुन रहे थे ना फ्रेंड्स, तो अब हमने क्या करना है देखिए यहाँ यहाँ अब हमने थ्री टाइम बुनना है, एक दो तीन, तीन के बाद एक चैन और एक चैन के बाद फिर से आपने ऊपर से डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह। फिर आपने देखिए यहाँ एक दो तीन, फिर एक चैन बुनेंगे और यहाँ से आपने फिर से डबल क्रोशे से बुनना है। फिर देखिए यहाँ इस तरह से एक दो और ये तीन, फिर देखिए एक चैन बुनेंगे और फिर हमने ऊपर से बुनना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए ऊपर से कम हो रहा है, पहले हम चार चार बार डाल रहे थे, अब हम तीन तीन बार बुनेंगे और तीन तीन बार फ्रेंड्स हमने तीन लाइनें बुननी है। तो ये एक बुन ली, दो रिपीट करके मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, देखिए हमारी तिरछी तिरछी लाइनें चल रही हैं और ये बनने के बाद इसका देखिए कितना प्यारा सा लुक आया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, देखिए हमने यहाँ दो से स्टार्ट करा था, फिर देखिए दूसरी लाइन में हमने इसे तीन बना लिए थे, फिर चौथी लाइन में देखिए दूसरी में हमने तीन बनाए, तीसरी लाइन में हमने देखिए ये चार बनाए, चार के बाद फ्रेंड्स देखिए हमने रिपीट करा, एक दो तीन चार, चार के बाद देखिए फिर ये भी चार है यहाँ तक। तो हमने चार बार कितना बुना है फ्रेंड्स, यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ से आराम से दिख जाएगा। देखिए ये तो एक दो तीन, इसके बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, देखिए सात हमने चार बार, हमने सात बार बुना है। फिर ऊपर से देखिए हमारा हाथ अभी चौड़ा था तो हम चौड़ा बुन रहे थे यहाँ तक, फिर फ्रेंड्स देखिए यहाँ से हमारा हाथ पतला हो जाता है तो हमने यहाँ देखिए ये हमारा हाथ, देखिए यहाँ से हमारे हाथ की शेप यहाँ तक चौड़ाई में है। तो देखिए हमने चार चार बुना, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमारे हाथ की यहाँ से देखिए यहाँ से पतला होने लग जाता है तो हमने यहाँ पे घटा लिया है। देखिए ये तीन, एक फिर ये दोबारा तीन, फिर ये तीन, यानी तीन बार हमने तीन तीन का बनाया है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है और ये देखिए बनने के बाद इसे कितना प्यारा सा लुक आया है फ्रेंड्स। अगर आपको दूसरे हाथ का बनाना है तो इस तरह से नहीं, वो
जब आप बनाएंगे तो देखिए एक तो इधर चल रहा है, आप दूसरे हाथ का बनाएंगी तो ये जो लाइन है ये तिरछी लाइनें चलेंगी, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे बनाएंगे। तो जब तक आप फिलहाल यही बनाइए, और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।